मेरे पास बहुत सारे पॉलिसी, वो बहुत सारे पॉलिसी जो है वो क्या है नहीं है कोई रिव्यू नहीं करता है, और पता चला कि उनके पेरेंट्स से ये सब पॉलिसी मिला था उनको, तो उनको कोई आइडिया भी नहीं था कि ये क्या है मैं क्यों, और वो इतना फ्रस्ट्रेट था कि बोल रहा था पंडित जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना पॉलिसी चला रहा हूँ भरने में तकलीफ हो रहा है, मैं अभी क्या करूँ समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरे को दीजिए एक बार मैं रिव्यू करता हूँ, देन विल टेल यू। सो दिस इज अ स्मॉल सजेशन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने जो बात बताई ये बहुत अच्छी है। जब हम किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं और उससे डिस्कशन करते हैं, आप एक प्रोफेशनली काम करो, आप क्लाइंट के पास जाओ अपनी पॉलिसी की बात ना करके, उसके पास जो एट प्रेजेंट में है उसको डिस्कशन किया जाए। और उसकी बेसिकली क्या है कि हम हमारे में से बहुत सारे लोग सेल्स पे फोकस करते हैं, यदि हम उसके नीड्स पे फोकस करेंगे तो हमारा जो काम करने का जो रिजल्ट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी शेयरिंग है, और आपकी MDRT की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपको दूसरी MDRT के लिए ब्लेसिंग नहीं देंगे, हम आपको COD के लिए ब्लेसिंग देंगे सीधी, क्योंकि हम कंजूस आदमी नहीं, हम तो सीधा खुल करके बात करते हैं जितने भी करते हैं। तो आपको COD की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आधी COD आपने ऑलरेडी कर ली है और आधी आप बहुत जल्दी कर लेंगे इतना पता है, क्योंकि आपका डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है। जब आप काम पे लगते हैं तो अच्छे से काम करते हैं। तो हमारा FPRT परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं MDRT की, हाफ COD की इनफैक्ट, और आगे आपके आपके आगे COD की शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नहीं और कोई राजेश, किसी और की शेयरिंग है क्या? अच्छा, मेरी एक शेयरिंग है, मैं आप लोगों से मैं कुछ बोलूं क्या? अरे अरे सर, हमारे तो आज हमारा तो भाग्य खुल गया, हमने तो आपको ये समझा था कि आज आप ज्वाइन नहीं करेंगे, हमने आपके नाम से बोल भी दिया था कि आज विदेश की धरती पे स्टे कर रहे हैं, तो थोड़ा आज शायद ज्वाइन नहीं। विदेश विदेश की धरती से बहुत विदेश की बहुत धरती से बहुत बोल बहुत रहा हूँ। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुबई में हूँ और आज रात को ही लौटूंगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक व्यू दिखाना चाह रहा हूं कि आपको मैं ये जो मैं चाह रहा हूं वो हो नहीं रहा है सर। सर वो आपने ना वर्चुअल बैकग्राउंड लगा रखी है ना, इसलिए आप अपना यदि सेल्फी वाला कैमरा चलाएंगे ना तो हाँ शायद आप हाँ दिखा पाएंगे, लेकिन वो भी वर्चुअल की वजह से शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। वर्चुअल बैकग्राउंड को हटा दो फिर आ जाएगा। सॉरी, सही, हटा दो तो आ जाएगा। हाँ ये वर्चुअल हटा देंगे तो आ जाएगा। ओके ओके, अब बैठाता हूँ। बता अरे सर दिया सर, हटा दिया। आ गई बिल्डिंग, आ गई, हया तो बैठे सर। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुर्ज खलीफा अरे वाह, दिख दिख रहा है क्या? रहा है, दिख रहा है जी। तो मैं इस होटल में हूँ, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल है जिसका नाम है जिवोरा। जिवोरा मैं यहाँ हूँ और ये पूरा दुबई के सीन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं पूरा दुबई दिखता है यहाँ से। तो बहुत अच्छा टूर रहा सर, बहुत एक्सीलेंट टूर रहा मेरा यहाँ का। और ये अगर एक लाइन में बोलूं तो मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ हिंदी चलती है फर्स्ट क्लास, सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बहुत अच्छा ट्रिप रहा है, मैं आज रात को लौट रहा हूँ भारत। और यहाँ पे निवा बुपा ने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम किया था, 450 के करीब इंश्योरेंस एजेंट इसमें थे कार्यक्रम में, और होटल हयात रीजेंसी में ये प्रोग्राम था। और उसमें जो पहले इंडिया की 10 पोजीशन है उसमें से अपना भी नाम था और अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लगा। बस कुल मिला के एक बार जरूर विजिट करना चाहिए दुबई को। और अब हमने अपना टूर एक्सटेंड कर लिया था, 4 दिन से हम लोग यहीं पर हैं, पूरा घुमा। आज रात को अबू धाबी से वापसी की फ्लाइट है, कल भारत में आप सबके दर्शन करूंगा। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो मैं देख रहा था वीडियो आई थी मेरे पास, आपको अवार्ड सेरेमनी की जो वीडियो आई थी बहुत जबरदस्त जी दिख रहा था जी जी उससे कि जी वो फंक्शन कितना भव्य था, और आप लोगों को पहले 10 लीवा बुबा में पहले 10 में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, यदि आप काम करेंगे तो हम वैसे ही अपने आप काम पे लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। अभी मैं अपनी शेयरिंग से पहले मैं पांडे जी को, कोई डिजिटल हैंड रेज है उनको जरा अनम्यूट कर दो प्लीज। पांडे जी अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अतुल भैया एक्चुअली अपनी आ रही है सर, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जिन जिन लोगों को हम पैसा देते हैं उनसे पैसा आना चाहिए किसी भी माध्यम से, तो एक हुक लगाने वाली आदत कहीं ना कहीं है। तो मेरे यहाँ एक डिलीवरी पैकेट आया था और उसको मैंने थोड़ा सा जो है वो उससे बात की, बैठा के उसको पानी वानी पिलाया, बात की, तो वहां से मुझे 84,000 रुपये का प्रीमियम आया। और दो दिन बाद जो है वो अपने एक मित्र को और लेके आया कि जो मुझे पॉलिसी आपने बताई वही मेरे इस मित्र की भी कर दो, तो सेम पॉलिसी 84,000 की और करवा के क्या। तो ये जी भैया बहुत 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 शुभकामनाएं पांडे जी। जो हमारे प्रधान श्री राजेश यादव जी बोलते हैं कि हरकत में बरकत है और मेहनत और मुलाकात कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये बिल्कुल वही बातें हो रही हैं। यदि हमने किसी से अपने आपने काम के बारे में डिस्कशन किया है तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है, और आपने आपको 83,000 की जो पॉलिसीज मिली हैं ये भी उसी का रिजल्ट है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही कंटिन्यू काम करते रहें और अपना आगे जो भी आपके अपने लाइफ के टारगेट्स हैं वो पूरे करें। थैंक यू सो मच। अब मैं अगली शेयरिंग मेरे ख्याल से किसी की नहीं है, मैं दो मिनट के अंदर अंदर अपनी शेयरिंग कंप्लीट करके मैं आज के जो हमारी जो टीम है इंश्योरेंस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जो पूरी टीम हमारे पास आई हुई है हम उन लोगों को आमंत्रित करना चाहेंगे। तो मैं मेरे पास एक क्लाइंट था जो पिछले 12-14 सालों से मेरे साथ एसोसिएटेड थे। लास्ट दो ब्रदर थे वो बेसिकली, लास्ट ईयर एक ब्रदर ने मेरे से अपनी मेडिक्लेम मूव करा ली और मैं उनसे बार बार ये पूछा था कि आपने वो मेडिक्लेम मूव कराई है उसका रीजन क्या है, तो उन्होंने मुझे उसका रीजन नहीं बताया। नहीं कह रहा नहीं सर मैं आप बताऊंगा आपको, बस उन्होंने क्लियरिटी नहीं दी। और जो उनसे बड़े भाई थे वो पिछले 2-3 साल पहले ये एक बोल करके मेरे से मेडिक्लेम ले गए अपनी मूव कर ली, कि ये कहने करके कि अब हमें मेडिक्लेम की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी की कॉर्पोरेट पॉलिसी है और उसमें ही हम लोग सब लोग उसमें हैं। तो मुझे सरप्राइज तो लग रहा क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद सब कुछ समझ तो आता है, लेकिन ये अभी क्योंकि हमारे पास रिटेंशन रेशो बहुत अच्छी है क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत थोड़े से लोगों के साथ डील करते हैं, तो हमारे पास लोग जो रिटेंशन है हमारी बहुत अच्छी है, मतलब क्लाइंट हमारा जल्दी से कहीं जाता नहीं, वो कोशिश करते हैं कि उसको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज भी दें। जब वो लास्ट ईयर उनका छोटा भाई हमारे यहाँ से मूव हुआ तो उन्होंने रिप्लाई करा सर मैं अभी इस साल आपसे माफी चाहता हूँ, बट यदि आगे फ्यूचर में मुझे लगेगा तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर हमारी कोई कमी है तो बताइए क्योंकि हम लोग चाहते हैं उस कमी को सुधारें जिससे कि आगे कोई लोग हमारे से अलग ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी सर्विसेज एक्सीलेंट है बट मुझे मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस थे इस वजह से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। उन्होंने वो लास्ट ईयर जो पॉलिसी थी वो हमारे यहाँ से ले जा करके बैंक इंश्योरेंस में दे दी, और जो बैंक इंश्योरेंस में पॉलिसी गई वो HDFC अर्गो के अंदर बैंक इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी चलेगी, और उसमें लास्ट कोई भी पॉलिसी का कोई जिक्र नहीं था, एक तरह से बैंक वालों ने उनको फ्रेश पॉलिसी दे दी। और देखो समय की विडंबना देखिए कि वो पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद उनको स्टॉक पड़ गया और उनको एंजियोप्लास्टी हुई और मदानता के पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में 7.5 लाख रुपए का बिल आया। जब वो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने वो रिजेक्ट कर दिया तो मेरे पास उनका फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा सर ये तो आप मुझे पॉलिसी शेयर करिए, मैंने पॉलिसी देखी तो उसमें देखा मैंने कुछ भी नहीं था उसके अंदर कि कोई कंटिन्यूटी नहीं था कुछ नहीं था। तो मैंने उनको बोला सर इसमें ये कह रहा है हम इसको केस कर दें, मैंने कहा इसको कुछ भी कर दो क्योंकि इसमें पोर्टेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर आप जो भी कर लेंगे तो उनकी आप उसको नहीं ले पाएंगे उनसे। तो फिर अल्टीमेटली अब एक मतलब उसके बाद अब उनकी उनको लग रहा था ये मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल है, बट लेकिन अल्टीमेटली तो पॉलिसी वो नेल एंड वाइट उसी दिन से ही होगी थी क्योंकि जब कई क्लेम आता है तो कंपनी प्राइवेट कंपनी उसको पॉलिसी को कैंसिल कर देती है। तो अब उन्होंने वो एक फ्रेश पॉलिसी मैंने न्यू इंडिया से उनको डिक्लेयर करके दी और उनकी वाइफ और बच्चों को नीवा बुबा से पॉलिसी थी। और वो दूसरे वाले ब्रदर जो 3-4 साल पहले ये बोल करके मेरे से पॉलिसी ले गए थे
कि भाई मैं अपनी बेटी के साथ मतलब उनकी पॉलिसी में गवर्नमेंट पॉलिसी में उन्होंने भी वही सेम टू सेम बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और अब उन्होंने भी हमारे से फ्रेश नई पॉलिसी ली है। कहने लगे नहीं सर अब बैंक वैंक के चक्कर में नहीं फंसना, हमें आपके साथ चलना है क्योंकि हमारा आपके साथ एक्सपीरियंस हमेशा सही रहा था, ये हमने लालच में आगे थोड़ा सा कम प्रीमियम के चक्कर में ये कर लिया था। ओवरऑल मैं कुछ पिछले यदि मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो 3.5 लाख रुपए के करीब का मेरे पास ऐसा प्रीमियम मेडिक्लेम का नया आया है जो मेरे पास वो किसी कहीं और की पोर्टेबिलिटी थी, कुछ नए फ्रेश प्रीमियम्स आए तो इस लास्ट वीक में 3.5 लाख रुपए का हमने फ्रेश नीवा बुबा के अंदर प्रीमियम बुक करा है। दिस इज फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच। और मैं अब आगे यदि किसी की शेयरिंग आएगी तो हम उसको लास्ट में लेंगे। अभी हम जो हमारी इंश्योरेंस एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो पूरी टीम है जिसमें कि नवीन गोयल जी जो उसके प्रेसिडेंट है, नितिन श्रीवास्तव जी जनरल सेक्रेटरी हैं और कुमार संतोष जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मैं उनको मैं बेसिकली मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं। लेकिन मेरी कल उनसे संतोष सर से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एक वीडियो है जो हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन देता है हमारी हमारे ये संस्था क्या है। तो मैं संतोष जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप प्ले करें। मेरे ख्याल से आपको हमने शेयरिंग राइट्स दे दिए और मैं सब जैसा कि हमारी एफपीआरटी की परंपरा है कि हम लोग जब भी किसी स्पीकर को बुलाते हैं तो अतुल जैन अकेला नहीं बुलाता, हमारी एफपीआरटी के जितना परिवार है जितना जो लोग इस आज अवेलेबल है वो सब लोग इकट्ठे होकर के बुलाते हैं। तो मैं सब लोगों से चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में वो हमारी इंश्योरेंस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की टीम को वेलकम करें। ओवर टू संतोष जी एंड नवीन जी एंड नितिन जी प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट मैं सबसे पहले नवीन जी शुरू करें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आईवा के बारे में आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और जो कि हमारे अभी तक के जर्नी को आप लोगों से साझा करेगा कि हमने कहां से शुरुआत करी और इस पिछले कुछ विगत सालों में हम लोगों ने क्या क्या अपनी अचीवमेंट्स करी हैं और आगे हम लोगों का अभी तक का क्या रास्ता जो हम लोगों ने तय किया है उसमें क्या माइलस्टोन्स देखी हैं। तो पहले कुछ और कहूँ, नवीन जी कुछ और शुरुआत करें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए। एक सेकंड लूंगा सर जस्ट शेयर करने के लिए। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का बाय इंश्योरेंस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आप लोग सुन पा रहे हैं सर? जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हम सभी सर सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे, बड़ी वॉल्यूम तेज हो सकती है क्या? 2.0 के अंतर्गत यहां सम्मिलित हुए हैं। आईवा की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और हमें इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी जानते हैं आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व बीमा व्यवसाय में अभिकर्ता को मिलने वाले कमीशन में भारी कटौती की गई। हम इस लड़ाई को केवल संगठित होने के कारण ही लड़ सके और हमने उस काले कानून के खिलाफ जीत हासिल की। उसके पश्चात भिन्न भिन्न समय पे बीमा के क्षेत्र में अभिकर्ताओं के लिए कई समस्याएं आती रही जिसका छोटे बड़े स्तर पे सभी ने मिलकर सामना किया। तत्पश्चात वर्ष 2018 में कुछ लोगों के एक सामूहिक प्रयास के द्वारा आईवा नामक एक संगठन की स्थापना हुई जिसका पूर्ण नाम इंश्योरेंस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। वर्ष 2018 में IRDA ने अपनी मनमानी चलाते हुए वाहन बीमा के क्षेत्र में नई गाड़ियों के लिए 3 साल का लॉन्ग टर्म बीमा, थर्ड पार्टी व कॉम्प्रिहेंसिव बीमा के लिए नई गाइडलाइंस निकाली। अभी तक इस क्षेत्र में नए बीमा का एकाधिकार मोटर वाहन डीलर लॉबी का लगभग 50% अधिकार था, लेकिन ये काला कानून आते ही मोटर डीलर की मनोबली ज्यादा ही बढ़ गई। ये गाइडलाइंस आने के बाद उनकी मनमानी और बढ़ गई। इसके लिए वर्ष 2018 में आईवा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करी जिसके अंतर्गत दिनांक 14 सितंबर 2018 को आईवा के सामूहिक आह्वान के अंतर्गत लगभग 2000 से ज्यादा अभिकर्ताओं ने जंतर मंतर नई दिल्ली में सामूहिक धरना दिया।
जिसके फलस्वरूप आयव्यय को अपनी गाइडलाइंस में सुधार करके इसमें तब्दीली करके एक साल का कॉम्प्रिहेंसिव बीमा और 3 साल का थर्ड पार्टी बीमा संशोधन करने के लिए मजबूर किया। इसके पश्चात आईवा ने अपने संगठन से जुड़े हुए सदस्यों के लिए मोटर क्लेम से संबंधित कठिनाइयों को देखते हुए एको मैकेनिक नामक संस्था से मल्टी ब्रांड वर्कशॉप के अंतर्गत अनुबंध किया। इसी तरह धीरे धीरे ये आईवा नामक संस्था आगे बढ़ती रही। मार्च 2019 में पुलवामा अटैक में शहीद हुए परिवारों को आईवा के तरफ से 3 लाख रुपयों की साहित्य राशि प्रदान की गई। इसके पश्चात हम सब पहली बार आईवा की तरफ से 31 अगस्त 2019 को परिवर्तन मीट 1.0 के अंतर्गत इसी सभागार में एकत्रित हुए, जो कि 90 से ज्यादा लोगों के साथ हमारी मीट काफी सफल रही। तत्पश्चात समय की ऐसी मार आई, मार्च 2020 में पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी की चपेट में आ गया, लेकिन हमारे अभिकर्ताओं ने अपने जज्बे को बरकरार रखा और इस त्रासदी के बावजूद भी सभी ने कोरोना फाइटर्स की तरह अपने काम को अंजाम दिया। मई 2020 में हमने एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें 100 से ज्यादा अभिकर्ता हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने सुझाव इसमें दिए। अप्रैल 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सबको झंझोर कर रख दिया, जिसको देखते हुए आईवा ने एक कैंपेन चलाया सेवा लाइव, जिसके अंतर्गत हमारी संस्था ने 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, फेस मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर का प्रबंध किया, जो दिल्ली एनएसआर में अपनी संस्था के सदस्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। सब यहाँ इस संगठन की इस कड़ी को और मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि हम बीमा के क्षेत्र में आ रही नई नई कठिनाइयां और आईएमए के मनमाने व्यवहार के खिलाफ संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ सके और आने वाली पीढ़ी को बीमा क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित कर सके। इसी के साथ हम आज की सभा की शुरुआत करते हुए आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं इसी के साथ कुछ और कहूं हमारे बीच। I have a question for you. If I were to present you my data in the form of this, मैं सर इसके आगे कुछ और कहूं, मैं आह्वान करूंगा कि अपने साथी नवीन जी से अभी तक की जर्नी ये इस वीडियो के थ्रू हम लोग देख पाए हैं, बट अभी हमारे सामने फिर से काफी समस्याएं आ रही हैं और वो हर बीमा अभिकर्ता के लिए काफी मुश्किल भरा रास्ता हम लोगों के सामने खड़ा करने वाला है, और इस सब के लिए हम लोगों ने काफी कुछ किया है, जिसके ऊपर पूरी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवीन जी से कि प्रकाश डालें और अपने बारे में थोड़ा हम लोगों को बताएं। संतोष जी, स्टॉप शेयरिंग कर देंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। राजेश राठौर जरा आप हेल्प करो संतोष जी को। एक सेकंड, इसमें कुछ जी सर, नवीन जी प्लीज। नवीन जी अनम्यूट कर लें। नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है संतोष जी? जी हाँ जी हाँ, अब आ रही है। गुड मॉर्निंग एफआरटी, थैंक यू टू एफआरटी कॉलिंग अस। आईवा का प्रेजेंटेशन का आपने टाइम दिया, दिल से आभारी हैं आपके, और मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है। मुझे पता लगा मेरे खास मित्र अतुल जैन जी इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। देखिए मैं आईवा के बारे में शुरू करते हैं। आईवा की जर्नी हमारी 2008 में शुरू हो चुकी थी।
हम लोग घूम रहे थे, हमने कहा क्यों ना एजेंट ना बड़े अनुग्रह है एजेंट, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एक जना रख के वो बात कर सके अपनी अपनी बात आईआरडीबी पहुंचा पाए या इंश्योरेंस कंपनी में, कोई भी संगठन ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइज जिससे हम कर सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 2008-10 में ये एसोसिएशन का गठन किया। 4-5 साल चलता रहा, छोटे मोटे इश्यू आते रहे, कोई खास बात नहीं थी। 2016 में से हमारी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई। हम लोगों ने ऑर्गेनाइज समझा कि क्यों ना हम एक ऐसा पुल बनाया जाए जो इंश्योरेंस कंपनी आईआरडी और हमारे बीच में काम करे। आज तक पिछले 25-50 साल में कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी। दूसरा, एजेंटों को स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम से गौर किया जाए। एक और हमारा मेजर इशू था सेक्शन 80D। 80D में आप लोगों को पता होगा पहले टैक्सेशन कितना लगता था, 10% था आई थिंक ये। हमने बड़ी फाइट की, बड़े लेटर फाइनेंस मिनिस्ट्री में लिखे, अल्टीमेटली 3 साल पहले ये 5% पे आ गया, जो कि एक हमारी बड़ी अचीवमेंट थी। अंदर खाने पता नहीं लगता कौन क्या काम कर रहा है, लेकिन हमने बड़ा काम किया इस पे। तो 10 और 5% में जमीन आसमान का फर्क है जो हम लोगों ने किया। एनी हाउ, ये हमारे थोड़े इशू थे। साथ साथ एक था कि टू मेक बेस्ट बिजनेस एथिकल प्रोसीजर। आज भी हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो बिजनेस प्रैक्टिसेज हैं बहुत अच्छी नहीं है, एथिकल नहीं है, मॉरल नहीं है। तो हमने कोशिश की एजेंटों से बात करके एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस पर काम किया जाए, और बहुत सारा काम उस पर कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे आईवा के कंसेप्ट हैं जिनको हमने आगे ले जाना है। अब आते हैं हम पे, पिछले 4 साल में पहले MISP आया। आप सबको MISP के बारे में पता होगा आई थिंक, अतुल जी MISP के बारे में सबको पता ही नहीं पता, ये लोग म्यूटेड हैं। अच्छा, MISP आया, MISP के साथ ही 3+3 पॉलिसी आ गई, कुछ कमीशन रिडक्शन की प्रॉब्लम्स आ गई। आईवा ने लोगों के साथ मिलके इकट्ठा करके वेबिनार ऑर्गेनाइज करे, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, फिर हमने एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया 3+3 के अगेंस्ट, और उसमें हमें सक्सेस मिला कि वो 1+3 रह गया, 3+3 उससे हट गया। एजेंट लोग भी बहुत खुशी, और एजेंट के बेनिफिट में ये चीज कि 3+3 होते हमारे लिए कार खत्म है, हमें 3 साल तक कार की इंश्योरेंस नहीं आनी, जो कि अब 1 साल बाद आ जाती है। जंतर मंतर के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट भी गए इस मामले पे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी टिप्पणी करी, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डाटा IRDA ने देना था, और IRDA ने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया इसमें, तो आपकी क्या सुनूं मैं। बड़ा हमें अजीब सा लगा कि IRDA ने इस मामले पे 3+3 पे अब डाटा ही नहीं दिए सुप्रीम कोर्ट में। हमने कुछ फैक्ट्स रखे लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा था उसमें। एनी हाउ, हम आगे चले इससे। अभी करंटली जो मेन इश्यू आया हम लोगों का, आप सबको पता, प्रिंटिंग और कमीशन, जिसपे कि आज का ये वेबिनार हमारा मेन सेंट्रलाइज है। कमीशन और प्रिंटिंग का मतलब ये था कि जितनी कमीशन आपको मिल रही है उतनी कमीशन पॉलिसी प्रिंटिंग होगी। खाली कमीशन नहीं, वो आज से भी आप लोगों, कुछ लोगों को हम लेते हैं। फर्स्ट ईयर मेडिकलिंग के प्रीमियम पे किसी को 10%, किसी को 12%, किसी को 15% मिलती है। तो सारा का सारा जो कंपनी मान लो 30% देती है, 28% देती है, वो सारा का सारा प्रिंटिंग पॉलिसी पे होगा। और एक भी पॉलिसी कस्टमर के पास चली गई जिसपे 25% लिखा हुआ है, 30% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, कस्टमर पॉलिसी को थ्रो कर देगा और हमसे पॉलिसी नहीं लेगा। वो कहेगा बस आप 10 साल से मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैंने 100 रुपए दिए, 20 रुपए तो आप ले जाते हो, मैंने 100 रुपए दिए, 20 रुपए तो आप ले जाते हो। खाली मेडिक्लेम की बात नहीं थी ये, मोटर की बात नहीं थी, लाइफ इंश्योरेंस पे बड़ा धक्का लगना था इस पे। और ये अभी 3 महीने पहले की बात है जो हमें पता लगा। हमने क्या हो गया, ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करेगी, डायरेक्ट सेलिंग करेगी, एजेंट करेगी, तो कुछ नहीं होगा। तो इमीडिएटली हम लोगों ने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई, मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, और उसमें डिसाइड किया इसको पूरे मूवमेंट को हम बहुत फास्ट ट्रैक पे लगेंगे। और हमारे 4-5 मेंबर्स ने तो घर दिन रात बैठ के अपने ऑफिस और घर तक छोड़ दिए इस काम करने के लिए। हमने इसमें मिस कॉल कंपेन चलाया जिसमें 10,000 से ज्यादा मिस कॉल आई इस IRDA के रूल के अगेंस्ट। फिर हम मुंबई जाके कम से कम 7 या 8 कंपनियों के CEO से मिले, उनको अपने मेमोरेंडम दिया, अपना क्वेरी रेज करी, अपने कंसर्न रेज किए, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और कुछ इनपुट दिए। फिर हम IRDA में हमने 4 पेज का अपना मेमोरेंडम पेश किया, अपनी क्वेरीज बताई, अपनी कंसर्न बताई IRDA को। और अल्टीमेटली जिस बॉम्बे से हम 14 तारीख को आए थे, 15 तारीख को
आईआरडीए ने अपना ये तुगलकी आदेश या वन साइड फरमान होल्ड कर दिया, खाली होल्ड ही नहीं कर दिया, हमें जो पता लगा कंपनी के सीईओ वगैरह से उन्होंने लगभग वापस ले लिया इसकी, और ये बहुत बड़ी जीत है एजेंट कम्युनिटी के लिए, इससे बड़ी जीत एजेंट कम्युनिटी के लिए आज तक नहीं हुई है। और इस सारा से आप लोगों को आईवा को जाता है, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ेंगे फ्रंट न्यूज पे उसने क्लियर लिखा है आईवा हैड डन इट। और आईवा के एक दो मेंबर नहीं है सर, आज आईवा के 8,500 से ऊपर मेंबर है और डायरेक्टली आप सब लोग भी कहीं ना कहीं आईवा से जुड़े हुए हो। तो ये जो जीत हुई है ना, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरी एजेंट कम्युनिटी की है। एजेंट कम्युनिटी कब चलेगी? तब हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे, हम सब लोग एक वॉइस में बात करेंगे, हम सब लोग एक शब्द प्रेजेंट करेंगे जो अभी हमारा नहीं है, उसी को आगे ले जाने के लिए हम डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पर्सनल मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को कन्वे कर रहे हैं कि हम लोगों का साथ रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज आ गई हमें के लिए तो घर में बैठे रहते हैं, निकलते ही नहीं घर से, क्या करेंगे। लेकिन एज ए टीम हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, हम कंसर्न अथॉरिटीज को, कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी को, रेगुलेटरी को फोर्स कर सकते हैं कि बॉस हम 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख। मैं आप लोगों को बता दूं, 27 लाख एजेंट है हिंदुस्तान में, 27 लाख एजेंट, और ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट मिलकर जनरल इंश्योरेंस में 1 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसमें 50% बिजनेस आप लोग करते हो दोस्तों, 50% बिजनेस आप लोग करते हो। और नंबर ऑफ पॉलिसी में जितनी नंबर ऑफ पॉलिसी बिकती है वर्ल्ड में, इंडिया में 90% पॉलिसी आप लोग बेचते हो सर, 90% पॉलिसी बेचते हैं सर हम सब लोग मिलके। आईआरडीए वन साइड डिसीजन ले रहा है, वन साइड तुगलकी आदेश दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अभी एक और चीज आ गई साथ साथ में, आपने पढ़ा होगा बैंकों को उन्होंने कॉर्पोरेट एजेंट्स को, हिंदुस्तान में 95% कॉर्पोरेट एजेंट बैंक्स हैं। अभी अतुल जी कुछ कह रहे थे बैंक से पॉलिसी कर दी, अतुल जी बता रहे थे ना 95% एजेंट पॉलिसियां बेचते, तो बैंकों को राइट दे दिया कि आप नोनो कंपनियों को डील करो, बैंक पूरी तरह से इसको मिसमैच कर देंगे और गंद मचा देंगे बाजार में, अगर मैं हिंदी में सीधे शब्द में कहूं। उसको भी एक नया चैलेंज हमारे पास खड़ा हो गया बैंकों के अगेंस्ट, अब जो आईआरडीए ने दिया है, आईआरडीए प्रमोशन चाहता है कि इंश्योरेंस, उनके मिस्टर पांडे जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि 11 लाख करोड़ की इंडस्ट्री करनी है अगले 5 साल में जनरल इंश्योरेंस की। अभी जो इंडस्ट्री है 2.20 CR की है, 5 गुना इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है। कैसे बढ़ाएगा बॉस वो? बगैर एजेंटों के बढ़ाएगा क्या? बगैर हम लोगों के बढ़ाएगा क्या? बगैर हम लोगों की फीडअप के बढ़ाएगा क्या? बगैर हम लोगों की इनपुट्स के बढ़ाएगा क्या? बगैर हम लोगों की वर्किंग के बढ़ाएगा क्या? नेवर नेवर नेवर। यही बात हम सब लोगों ने अगले साल 2 साल में आईआरडीए को टाइमली नोक करते रहना है, बॉस वी आर डूइंग दिस। और हम चाहते हैं हम में से 2-3 लोग जीआई काउंसिल में आ जाएं, कम से कम हमारी रिप्रेजेंटेशन हो आईआरडीए के पास, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को पूछे, हम लोगों से बात करे वो कि क्या करना है। आईवा का जो हमारा विजन है कोई 1 साल 2 साल 5 साल का नहीं है। आज हमारे बच्चे इंश्योरेंस मारने से डरते हैं, क्यों ना ऐसा संगठन बना दिया जाए, हम स्किल डेवलपमेंट करें, कीन डेवलपमेंट करें कि हमारे बच्चे भी इंडस्ट्री में आए, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा आपस का टाई अप है, हमारी एफपीआरटी है, ये 100-150-200 साल चले और माइंड बता दें कि वी आर द मैच्योर पीपल, वी आर द ऑर्गेनाइज्ड पीपल, और हम कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को हम ही लोग बढ़ावा देते हैं, हम ही लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आईआरडीए चाहता है कि इंश्योरेंस बढ़ना चाहिए, सिर्फ आईवा जैसे लोग या एफपीआरटी जैसे लोग या हम आपके जैसे लोग इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं। That is the sole motive of Aiva. छोटी मोटी चलती रहेगी, कमीशन रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि कुछ अभी पीछे हुआ है, नेशनल इंश्योरेंस ने एक क्लेम रिजेक्ट कर दिया बॉस। हमने आईवा के लेटर हेड से और आईवा की मेल आईडी से मेल किया नेशनल इंश्योरेंस को, चेयरमैन को, और 8 दिन के अंदर वो क्लेम पास हो गया। 8 दिन के अंदर क्लेम पास हो गया, मैं वो पेपर्स और जितने भी रिलेटेड मेल है आप लोगों को शेयर करूंगा। वो तो कहते हैं ना, टीम में शक्ति है, साथ में शक्ति है, उस चीज को हम लोगों ने बढ़ाना है, उस चीज को हमने आगे ले जाना है। खाली बात यही नहीं रुकेगी, आने वाले टाइम में और बहुत सारे इश्यू आने हैं जिसकी हमें आईवा की या संगठित होकर साथ चलने की जरूरत है। हमने एक विजन ड्राफ्ट करना है, विजन में सबसे पहले कि हम लोगों ने एक रहना है, टाइमली आईआरडी को नो करते रहने की ये प्रॉब्लम है बॉस, इसको ऐसे करो। और इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस के डिसीजन में और इंश्योरेंस कंपनी में
जब तक हमारा रोल नहीं होगा अंडरराइटिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट में या नई प्रॉब्लम्स में, नई इम्पावर्स में, तो इंश्योरेंस डेवलप नहीं हो सकता। ये हम सब लोगों को हमने बताना है। उसी लिए हमारा संगठन बहुत जरूरी है। और संगठन एक दिन की बात नहीं है, संगठन ऐसा करना है, प्रोसेस हो, टेक्नोलॉजी बेस हो, जिससे हमारी आगे पीढ़ियां, हमारे ऑफिस के लोग, नए जनरेशन जो इंश्योरेंस में आ रही है, या हमारे बच्चे उसको खुशी से ज्वाइन करे, यस, उनको ब्रांड करे, सल्यूट करे हमें कि पापा हमें इंश्योरेंस में लाए हो, अंकल हमें इंश्योरेंस में लाए हो, या ऑफिस करे, बॉस आप हमें इंश्योरेंस में लाए हो। ऐसी परिपाटी, ऐसी व्यवस्था हमने कायम करनी है। लेकिन कोई एक व्यक्ति, मैं, संतोष जी, नितिन जी या अतुल जी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम सब लोगों को आगे आना है, मिलते रहना है, परस्पर विचार करते रहना है। अभी मीटिंग में आगे संतोष जी बताएंगे आपको। इसीलिए हमने इतनी बड़ी सेलिब्रेशन को 20-21 तारीख को एक बड़ी मीट हम जयपुर में कर रहे हैं, जयपुर का रिजोर्ट बुक कराया है, पूरी डिटेल आपको संतोष जी देंगे। तो बॉस, जो ये जीत हम लोगों की हुई है ना, ये कमीशन फ्रंट पे, खाली कमीशन का लेवल नहीं हटा पॉलिसी से, आज एजेंट यूनिटी शो हो गई वहां। कल को IRDA या इंश्योरेंस कंपनी कोई भी डिसीजन लेगा, पहले हमारे पास आएगा, हमारे मीन्स हम एजेंटों के पास आएगा कि बताइए आपकी क्या इच्छा जी, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, उसी के बाद ऐसा कोई डिसीजन होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता अब ऐसा कोई तुगलकी फरमान IRDA की तरफ से आएगा। और हमें ये भी पता लगा है, इसमें एक दो इंश्योरेंस कंपनियां भी इन्वॉल्व थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक दो इंश्योरेंस कंपनियां भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ था, ड्राफ्ट में एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के बड़े CEO इंक्लूड थे उसमें, और उसने ड्राफ्ट दिया IRDA को, भाई ऐसा कर लो, उसने ड्राफ्ट तैयार करके IRDA को दिया, ऐसा कर दो। तो कहीं ना कहीं आप ये मत समझिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है तो आपके साथ है, पीछे पीछे गेम और कुछ होता है, हमें दिखाया कुछ और जाता है। तो इन चीजों पर भी हमने पैनी नजर रखनी है, अपनी आइस जमा के रखनी है कि कल को हमारे साथ गलत ना हो, और गलत हो गया तो संगठित होकर उसका सामना करना है, उसको फेस करना है। लेकिन बढ़ते हैं आगे, इसको अगले विजन बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमने वो छोटे से विजन बनाए हैं, क्योंकि हम पहले 100, 200, 500 लोग थे, आज हम 8000 लोग हैं, लेकिन हम मानते हैं कल को हम 500,000 लोग हो जाएंगे, 500,000। फिर देखिए हमारा विजन, हमारी सोच, और ये जो टीम है शुरू की 50, 100, 200 लोगों की हमेशा यादगार रहेगी, इन लोगों ने इंश्योरेंस शुरू किया था, शुरू की थी, बट बड़ी खुशी हुई कि RT ऐसा काम कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं भी FPRT ज्वाइन करना चाहूंगा। आप इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं, आईवा के साथ हम एक टाई अप करते हैं, मिलके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की इनपुट शेयर करते हैं, टाइमली मीटिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग भी करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मानना है हमें सबको इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, हम कुछ सीखते रहेंगे। अतुल जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, अभी अतुल जी मुझे मालदीप में मिले थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो जब भी इंश्योरेंस का आदमी इंश्योरेंस वाले से मिलता है तो इंश्योरेंस की बात ही करता है, जैसे पॉलिटिशियन पॉलिटिकल आदमी से मिलता है ना, वो पॉलिटिकल की बात करता है, बिहार में गवर्नमेंट चली गई, महाराष्ट्र में आ गई, तो हम इंश्योरेंस वाले जब भी मिलेंगे, किसी डिनर में मिलेंगे, वॉक पे भी मिल जाएंगे, किसी के फंक्शन में मिलेंगे, हमारी इंश्योरेंस से बात शुरू हो जाएगी, और हम दूसरे आदमी को बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और जितना सिखाते हैं उससे ज्यादा इनपुट लेके चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था हमें कायम करनी पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज घर में बैठे रहो, अपने ऑफिस में बैठे रहो, हमें कोई नहीं पूछ रहा है, खाली पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ जिंदगी में इंटेक कर जाना, कुछ अपने लोगों का ग्रुप बनाना, कुछ अपने लोगों से सीखना, कुछ अपने लोगों को सिखाना, कुछ प्यार करना, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां बुलाती है, तो हम एक दूसरे को क्यों ना बुलाएं, हम एक दूसरे को क्यों ना मीटिंग करें, एक दूसरे को डिनर क्यों ना करें, एक दूसरे के साथ लंच क्यों ना करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने करनी है और आगे बढ़ना है। तो बॉस, फाइनली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, साथ बढ़ रहे हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की होंगे जो हम चाहेंगे कि हम रिप्लाई करें, आपका मन कर रहा हुआ कुछ पूछे आईवा के बारे में। तो थैंक यू सो मच संतोष जी। बिल्कुल, नवीन जी ने अभी तक की जर्नी के बारे में काफी कुछ हमें बताया है, और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे मौजूद सदस्यगण हैं उन सब ने इनसे कुछ ना कुछ लेसन लिया होगा, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में वो सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने साथ अपने 4 दोस्त मित्र और 4 और एजेंटों को यहाँ पे लेके आएंगे। हमारा ध्येय यहाँ पे सिर्फ यह है कि हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े,
और जैसा कि आप सभी जानते हैं संगठन में ही शक्ति है। अगर हम मजबूत हैं तो हमारी बातें दुनिया की कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। अभी तक हमारे साथ समस्या यह रही है, यानी हमारे एजेंट फेटर्निटी के साथ समस्या यह रही है कि वो लोग बिखड़े हुए हैं और इसी बात का फायदा इंश्योरेंस कंपनी भी उठाते हैं और इसी बात का फायदा हमारे IRDAI भी उठाती हैं। वो यह सोचते हैं कि एजेंट का मतलब ब्रोकर्स के अथॉरिटीज से आप मिल लो, ब्रोकर्स एसोसिएशन से मिल लो, जबकि एक्चुअली ब्रोकर्स एसोसिएशन जो है वह रिप्रेजेंटेशन देती है क्लाइंटों का, ना कि एजेंटों का। तो हमारा ध्येय यह है कि आने वाले टाइम में आईवा एक इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में IRDAI के सामने एक पिलर के रूप में खड़ा हो, ताकि आने वाले दिनों में जब भी कोई ऐसा रेगुलेटरी चेंजेस की बात होए या कोई भी संशोधन की बात होए इंश्योरेंस के रेगुलेशन में, तो वो एक एक विचार हम लोगों से भी लिया जाए, जिसमें आप सबों का साथ हमारे साथ हमें चाहिए और आपके इनपुट्स हमें रेगुलर चाहिए रहेंगे, जो कि हम आगे बढ़ाएंगे आईवा के तौर पे, हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम टाइम पे जैसा आप जानते हैं इंश्योरेंस में रेगुलेटरी बॉडी IRDAI है, तो जितने भी रेटिंग्स होते हैं वो GIC काउंसिल की तरफ से होती है। तो हमारा ध्येय यह है कि आने वाले जो भी रेटिंग चेंजेज होते हैं IRDAI की तरफ से, चाहे वो आपने अभी देखा होगा कि फायर में पहले 100% डिस्काउंटिंग बंद हो गया, फिर वापस से डिस्काउंटिंग अब 100% आ गई है, लघु सूक्ष्म हो गया, तो ये बिल्कुल ही एक अपने आप में ऐसा डिसीजन है जिसमें हम लोगों का कोई सम्मेलन अभी तक नहीं रहा, उन्होंने खुद ब खुद ये डिसीजन लिया। तो हम लोगों का ध्येय यह है कि आने वाले टाइम में जब भी कोई ऐसा चेंज वो सोचे तो जरूर हम लोगों से भी वो विचार लें, और हम लोग इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं और उम्मीद यह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब हमारे साथ संख्या बल होगा, हम लोग रेगुलर ऐसे मीटिंग सेमिनार और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे, तो जरूर यह आवाज वहां तक पहुंचेगी और ये हम लोगों का एक एक रिकॉग्निशन जो है IRDAI की तरफ से आईवा को उस लेवल का भी मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा यह रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मैं इसके पहले अभी हमारे जो परिवर्तन मीट 3 है जिसको मैं नाम देना चाहूंगा, ये एक एक मैं एक मिनट और लूंगा कि एक हम जब मैं BHU में होता था तो आई हैड अ चांस कि जब मैं पूरे UP स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में, जिसको आज रिपब्लिक डे परेड कैंप कहते हैं, और हम लोग वो यह बोला जाता था कि ये इंटीग्रेशन कैंप है, जिसमें यह ध्येय यह होता था कि देश के हर कोने कोने से लोग आए और एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज होए। तो जो हमारा यह नया जो ये मीट होने वाला है उसका भी पर्पस यही है कि एजेंट फेटर्निटी के लोग एक साथ इकट्ठा होए और हम एक दूसरे के साथ सकारात्मक विचार आदान प्रदान करें, जो कि एक दूसरे को सहयोग करें आने वाले दिनों में। और मैं उस पर ज्यादा बोलूं इसके पहले मैं नवीन ये नितिन जी को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोगों को थोड़ा आगे का रास्ता, हम लोग जो एक विजन लेके चल रहे हैं उसमें हमें क्या करना है वो बताएं, फिर उसके बाद हम अपने इस परिवर्तन मीट 3 के ऊपर हम लोग बताएंगे आपको क्या हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को उस पर क्यों जुड़ना चाहिए। नितिन जी धन्यवाद संतोष जी एंड धन्यवाद FPRT टीम। अभी सुबह सुबह 8 बजे मेरे ख्याल से मैं जिंदगी में पहली बार कोई इंटेलेक्चुअल्स का, अपनी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का कोई वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। मेरे को जानकारी नहीं थी और मैं इसका भविष्य में भी हमेशा पार्ट बनने रहना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं इस मीटिंग के बाद अलग से एक रिक्वेस्ट अपनी प्लेस करूंगा कि मेरे को भी इसमें शामिल किया जाए। तो अभी नवीन जी और संतोष जी ने बहुत सारी चीजें बता दी है रिगार्डिंग हमारा जो आईवा इंश्योरेंस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके लिए जो भी काम किया जा रहा है, उसके बिहाफ पे जो भी काम किया जा रहा है। और बीच बीच में दो मैसेजेस मैंने देखे त्यागी जी के और राजन चौबे जी के, जो कंपनीज के नाम पूछना चाह रहे थे कि किन कंपनीज, कौन सी कंपनी ऐसी है जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने की क्षमता रखती है और हमारे ही लिए गड्ढा खोद के बैठी हुई है। तो त्यागी जी राजीव जी मैं आता हूँ अभी उस पर भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपना एक रिक्वेस्ट है जो अभी तक संतोष जी और नवीन जी ने भी प्रेजेंट किया है कि हम लोग एजेंट है और हम सब लोगों का 15-20-25 साल की जर्नी हो चुके से इंडस्ट्री में, स्टिल आज तक हम लोग सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जो भी एक हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के देती है, हमें चुपचाप उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है।
तो पिछले कुछ समय में जो बहुत चेंजेस हो रहे थे उस भागदौड़ के बीच में IRDA के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिला और उनसे भी हमने यही सवाल किया। 14 लाख एजेंट तो सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में, 14 लाख से ज्यादा एजेंट लाइफ इंश्योरेंस बना दे तो पता नहीं कितनी बड़ी संख्या है पूरे इंडस्ट्री के अंदर में। हमने उनसे पूछा कि वे जब इतनी बड़ी एक जनसंख्या आपके एक एक निर्णय से अफेक्ट होती है तो उसमें हमारी भागीदारी, हमारी शेयरिंग, हमारे व्यूज क्यों नहीं पूछे जाते? हम अकेले नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे ऑफिस के चार और सदस्य जुड़ते हैं हमारे इसी काम के माध्यम से। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है, तो हमसे क्यों नहीं पूछा जाता कि ये चेंजेस किए जा रहे हैं, इसमें आपका सुझाव क्या है? तो उन्होंने बड़े ही एक हंसते हुए से जवाब दिया था, आपसे तो हमेशा पूछा जाता है। तो हमारे लिए शॉकिंग था, हमसे तो अभी तक तो आइडिया कभी नहीं लगा। तो आपके बिहार पे आपके इंश्योरेंस कंपनीज है ना जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो हमारे हर एक सलाह मशवरा में उनकी राय कंपल्सरी होती है, उनसे पूछे बिना हम लोग नहीं करते। तो अब ये पहले तो सरप्राइज था, अब शॉकिंग भी था, बिकॉज हमारी सो कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनीज ने हमसे कभी आके कभी डिस्कस नहीं किया। हमें तो फरमान आने के बाद पता लगता था ऐसा कुछ होने जा रहा है, उससे पहले तक हिंट भी नहीं मिल रही होती थी आके। तो अब इस एसोसिएशन के माध्यम से हमारा यही एक लौता एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कोई और क्यों करेगा? हम इतने सक्षम लोग हैं, इतने सालों से इस इंडस्ट्री को हमने सींचा है। ये कंपनियां तो 2008, 10, 12, 15, 17 में अलग अलग समय पे कंट्री में लॉन्च हुई है। हम तो पहले दिन से, जब ये प्राइवेट कंपनीज नहीं थी उससे पहले भी पता नहीं कितनी बड़ी एक तो पूरी कम्युनिटी है जो इंश्योरेंस से जुड़े हुए थे, उन्होंने इन कंपनी को पैदा होते हुए बढ़ते हुए देखा है। तो हम क्या, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एटलीस्ट अपने को प्रेजेंट कर सके? उसके लिए भी क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी की बैसाखियों का सारा लेना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। और जब ये सज्जन ने बताया कि कंपनीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है, वही हमने पकड़ लिया था कि ये व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करके काम नहीं होगा, ये छोटे छोटे से फोन पे बातें करके अपने में चैट करके ये काम नहीं होगा। अपने को यहाँ पे कंपनी के सीईओस को पकड़ना पड़ेगा कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो ना, तो ये है हमारा व्यू, अब इसको आगे बढ़ाओ। तो अभी जैसे नवीन जी ने बताया, हम 7-8 कंपनी के सीईओ से पिछले महीने जुलाई में मिलके आए हैं मुंबई में, एंड उनको हमने अपना प्रॉपर मेमोरेंडम दिया, अपने कंसर्न्स व्यक्त किए, उनसे पूछा कि आपका व्यू क्या है। तो एक विषय जो आज का हमारा मेन मुद्दा बना हुआ था कि हमारा जो कमीशन हमारे कोई कंपनियां दे रही है वो हमारी पॉलिसी पे छप के आएगा, तो इस पॉलिसी पे जो हमने कस्टमर से 20,000 रुपए का प्रीमियम लिया उसके ऊपर 3,000 रुपए अगर हमने कमीशन कमाया तो अब उस कस्टमर को बकायदा पता होगा कि 3,000 रुपए ये एजेंट में से लेके जा रहा है। तो मुझे दुविधा है कि हिंदुस्तानी मानसिकता में कोई वो 3,000 रुपए चुपचाप। डिस्टर्बेंस आ रही है आपके एंड पे, एक बार चेक करेंगे क्या, आवाज नहीं आ रही है? जस्ट अ सेकंड, क्या मैं अभी क्लियर हूँ? क्लियर है, पहले भी क्लियर था, मुझे क्लियर है। हाँ, अब क्लियर है, क्लियर। नो सर, तो मैं मिस कर गया क्या बोल रहा था उसमें। जी, कंपनी के सीईओ से जो हम लोग मुलाकात करके आ रहे थे, तो उनसे जब हमने उनसे पूछा कि अब आपका विचार क्या है, जो ये कमीशन डिस्प्ले वगैरह चल रहा है, अब हमारे मुंह पे हमारी बुराई तो नहीं कर सकते कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपका कमीशन डिस्प्ले हो जाए जिससे जब ये छप के आए तो कोई भी कस्टमर आपके हाथ में अब वो पैसा छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो भी अपना शेयर मांगेगा कि 3,000 तुम्हें बच रहा है, 2,000 तो दे दो, 2,500 तो दे दो। तो धीरे धीरे हमने उन कंपनी को पुश किया, फोर्स किया कि वो भी एजेंट के पक्ष में IRDA में अपना स्टैंड रखे आके। अब अभी जो दो सज्जन पूछ रहे थे कि कंपनियां कौन सी थी जिन्होंने ये चीजें हमारे बिहार पे कमिट करी, तो सर IRDA ने कमेटियां बनाई थी। तो एक कमेटी थी जिसका काम था कि कमीशन को डिस्प्ले करने वाले पार्ट पे अपना डिसीजन देना। तो इस कमेटी में 4 कंपनियां थी, उनमें से एक हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है HDFC Ergo, दूसरी ओरिएंटल इंश्योरेंस, चोलामंडलम, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। इन 4 कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग द CEOs ने ये रिटर्न IRDA में रिप्रेजेंटेशन दिया है कि एजेंट का कमीशन पॉलिसी में डाल के दीजिए, क्योंकि आज की डेट में एजेंट को बहुत कमीशन मिल रहा है और इसको कम होना बहुत आवश्यक है।
तो अब हमारे ऑफिस में आके वो हमारे से अलग तरीके से बात करते हैं, हमारे पीछे से एक बंद रूम में जाके आईआईडीए में अलग तरीके से बात करते हैं। मैंने कहा साहब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसे लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते जो हमारे लिए बुरा सोच के बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपने धंधे को प्लान कर रहे हैं कि ये तो डिजिटल हो जाएंगे और हम लोग खाक छानते रहेंगे आके। तो वहां पे जब इन कंपनीज पे प्रेशर डाला, जैसा अभी नवीन जी ने बताया, आईआईडीए ने सर एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशू करी जिसमें उन्होंने दिया कि अब ये कमीशन डिस्प्ले वाला डिसीजन जो पहले 15 जुलाई को आने वाला था, अभी इमीडिएट बेस पे इसको होल्ड किया जा रहा है एंड जब तक हम सारे स्टेक होल्डर से डायरेक्ट कंसल्टेशन नहीं कर लेते हम इसको लागू नहीं करेंगे। यही सारी चीजें टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने स्वर्णिम अक्षरों में अपने कागजों में पेपर्स में छाप के दी है। ये इंश्योरेंस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा आर्टिकल जो उन्होंने हमने आईआईडी को लिख के दिया था और जो इंश्योरेंस कंपनी को दिया था उसका एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर में प्रिंट हुआ है। ये लीडिंग न्यूज़पेपर्स है तो इसकी ऊपर बोलने का मेरे को अलग से कुछ भी जरूरत फील नहीं होता। तो पॉइंट इज कि 2-3 महीने पहले तक हम सोचते थे कि नहीं इतने ऊपर अथॉरिटीज को हिलाना आसान नहीं है, बट थोड़ा सा एफर्ट किया, थोड़े से संगठित हुए, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया और एक ईमानदार कोशिश करी, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तो भविष्य में भी यही एक उम्मीद है, यही एक्सपेक्टेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म बने जहां हमें जा जाके इधर उधर दूसरों के ऑफिस की खाक ना छाननी पड़े, हम आईआईडीए के डिसीजन मेकिंग में हमारे रिप्रेजेंटेशन हो पाए, जहां एजेंट के बिहाफ पे बैठ के अपना भी पक्ष रख सके एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिना एजेंट के डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकता सर। ये मेरे ख्याल से कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकता एक भी सेंटेंस। आज लाखों लोगों ने इस इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुंचाया है, 2,20,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है जनरल इंश्योरेंस ओनली, और 5 साल में 11,70,000 के करोड़ होने की प्रोजेक्शन है सर। और सरप्राइजिंगली इस पूरे इतने बड़े पोर्टफोलियो में जो हम डिजिटल 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 इतना गाना गाते हैं उसका प्रतिशत सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% बिजनेस डिजिटल होता है, जो आफ्टर 5 ईयर्स भी ये बढ़ के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% होने की संभावना है एज पर द IRDAI प्रोजेक्शन। ये हमारा प्रोजेक्शन नहीं है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रोजेक्शन दिया है, ओनली 10%, बाकी कौन करेगा, हम लोग ही करने वाले। तो संगठित होना बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एक रिप्रेजेंटेशन टू द रेगुलेटरी ये आवश्यक है एज एन एसोसिएशन एज एन एजेंट बॉडी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए एक आता है वेलफेयर को लेके। अब कंपनी हमारे पे हम भरोसा करके नहीं बैठ सकते कि वो हमारा भला करने वाली है, तो हम अपना भला कैसे कर सकते हैं। तो हम अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बिजनेस वॉल्यूम के साथ में हम कंपनियों को हिला नहीं सकते, ना ही इतनी बड़ी रेगुलेटरी को हिला सकते हैं। बट जब हम संगठित हो जाते हैं तो हमारा वो छोटा छोटा वॉल्यूम एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो अभी एक वो मैकेनिक का नाम आपने सुना जो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो में प्रेजेंट हुआ जिसके साथ हमने टाई किया, अभी मैं इतिहास में नहीं जाता, मैं प्रेजेंट पे आ जाता हूँ वापस। सर एक और टाइप हमने जस्ट अभी रिसेंटली मैंने जुलाई में ही साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है विद अ कंपनी कॉल्ड प्रिस्टीन केयर। आई होप बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। प्रिस्टीन केयर एक सर्जरी करने वाली एक कंपनी है, सिर्फ सर्जरीज करती है, नथिंग एल्स, और महीने की 6,000 से ज्यादा सर्जरीज रेगुलर बेसिस पे कर रही है। तो ऋतिक रोशन सॉर्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने हायर किए हुए हैं। तो इनके साथ इंश्योरेंस एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन आईवा का एक एग्रीमेंट हुआ पिछले महीने में, जिसमें हमारे मेंबर्स के लिए अलग से कुछ एक बेनिफिट उन्होंने क्रिएट करके दिए। छोटे से समय में मैं छोटी सी कुछ चीजें एग्जाम्पल में बोलूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के साथ कैशलेस एग्रीमेंट तो होता ही है मेडिक्लेम पॉलिसीज में। अब हमारा कोई भी मेंबर आईवा का अगर इनके साथ बिजनेस प्लेस करता है, बिजनेस अपने कस्टमर को रेकमेंड करता है इनके थ्रू में आके, तो सबसे पहला बेनिफिट जैसे पॉलिसी के अंदर में बहुत बड़ा एक लिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन पेबल आइटम, जिसका 10-15% पैसा कटना ही कटना होता है, वो सब जीरो हो जाएगा, जीरो। तो 100 रुपए का क्लेम आएगा, 100/100 रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, जो 10-15% अमाउंट है ये प्रिस्टीन केयर एब्जॉर्ब करने जा रहा है फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द आईवा मेंबर्स।
बहुत सारी और इसमें सुविधाएं क्रिएट करी गई है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बिल 90% जनता है जो नहीं रिडीम करवाती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स ही जीरो होंगे, वो भी कैशलेस फॉर्मेट में क्रेडिट किया जाए, आपको पे नहीं करना। अगेन एक्सक्लूसिवली फॉर द आईवा मेंबर्स, पेशेंट को घर से लेके जाना, घर पे ड्रॉप करना, उसका कैब की एक फैसिलिटी विदाउट एनी चार्ज इसमें क्रेडिट करी जाए। एक बड़ी लंबी इसमें लिस्ट है जो एक सुविधाओं के लिए हमने बहुत सारे अपने इंडस्ट्री में मशवरा करने के बाद यहाँ पे आए थे और फिर हमने उनको नेगोशिएट करके कुछ चीजें डिमांड करी। और सबसे अच्छी चीज, अब क्लेम आता है वहां पे कस्टमर को फायदा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी अपना रोल फॉलो करती है, अब उस क्लेम को रेफर करने के लिए भी एक छोटा सा कुछ अमाउंट रिकमेंडेशन का भी उस एजेंट की जेब में जाएगा। तो कस्टमर के लिए 100% की सर्विस विदाउट कोई डिडक्टेबल, फॉर अदर एजेंट एक एक्स्ट्रा अर्निंग का एक माध्यम क्रिएट किया जाएगा, जो ये अभी ये टाइप है। तो कभी और फुर्सत में बैठेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से चर्चा कर पाएंगे। तो मेरा आह्वान एक ही है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं सारे यहाँ पे, सर ये मेरा तेरा वाली लड़ाई नहीं है, ये मेरे तेरे वाली लड़ाई से जीता नहीं जा सकता। रेगुलेटरी गेम, कंपनीज गेम ना आज से पहले कभी कम हुई थी ना आज के बाद कम होने वाली है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अपने को संगठित होना फॉर्मल वे में बहुत 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 आवश्यक है। दोनों रूप से लोग होने चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोगों का, जो फ्रंट में आके कुछ काम करना चाहे, अलग अलग क्षेत्र में जाके अपना डेवलपमेंट करना चाहे, एजेंट्स को संगठित करते जाए, सिर्फ दिल्ली मुंबई कलकत्ता बैठ के काम ना हो, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट रीजन में ये चीज संस्था पहुंचे, लोग वहां पे इकट्ठा हो एंड हमारी एक कंसोलिडेटेड कॉमन वॉइस ऊपर बैठे सारे महानुभवों के पास में पहुंच सके जब भी कभी आवश्यक हो। ये मेरा सिर्फ इतना सा अभी टोटल एक सबमिशन था। अभी एक जिक्र अभी हम कर रहे थे कि हम लोगों को जोड़े कैसे, तो जोड़ने का एक माध्यम तो यही होता है एसोसिएशन, जहां पे हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अब इसमें पर्सनल टच देने के लिए ना, जब हम कुछ समय साथ में स्पेंड करते हैं तो हम फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो संतोष जी बेहतर समझा सकते हैं कि हम उस फैमिली कल्चर को जो इस कम्युनिटी के लिए बनती जा रही है उसको कैसे बिल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पास्ट में क्या किया और अभी आने वाले समय में जस्ट इसी महीने में एक और एक्टिविटी प्लान है। संतोष जी अगर आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। सर चूंकि हमारे पास समय के बहुतायत नहीं है और हमें अगले 4 मिनट में इसे खत्म करना है, तो मैं देख रहा था आपने काफी सारे सवाल आ रहे थे कि भाई आपके मेंबरशिप के क्या स्कीम्स हैं, तो मैं तुरंत में कहना चाहूंगा कि ₹500 हमारा सालाना मेंबरशिप चार्ज है और मैं सारे सदस्यों से और उनके आने जितने भी फ्रेंड सर्किल में और लोग हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़े। हमारे साइट्स पे भी फॉर्म अवेलेबल हैं, वहां से भी हम जुड़ सकते हैं। साथ के साथ एक गूगल फॉर्म्स हम इस मीटिंग के खत्म होते ही अतुल जी को शेयर कर देंगे, जो डेफिनेटली आप लोगों का एक अपना ग्रुप होगा जिसपे आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। तो वहां पे आप गूगल फॉर्म पे अपने 5-6 कॉलम है उसको फिल करके और इंस्टेंटली आप वहीं पे QR कोड के साथ पेमेंट करके आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेरी आह्वान आप सबों से यह रहेगी कि अभी जो हमारा परिवर्तन मीट होने जा रहा है, जिसको हम एक एजेंट इंटीग्रेशन कैंप भी हम कह सकते हैं, जो 20 तारीख से 22 तारीख तक है, सैटरडे संडे, इसी 20 अगस्त को है और ये एक जयपुर के एक बहुत ही अच्छे, मैं कहूँगा 4-5 स्टार कैटेगरी ऑफ रिजॉर्ट में है। और इस बार का जो थीम है ये इंटीग्रेशन इसलिए है कि हम लोगों ने पहली बार इसको एक फैमिली गेट टुगेदर रखा है और यह हमारा ध्येय यह रहा है इसमें कि भाई हम लोग क्लासेस तो हर जगह अटेंड कर लेते हैं और दिन भर हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में रहते हैं तो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो यह एक ऐसा इंटरेक्शन कैंप होएगा जो एजेंट्स फ्रेटर्निटी के पैन इंडिया से टॉप एजेंट्स इकट्ठा होंगे, जो कि अपने फैमिली को साथ लेकर के एक दूसरे के साथ अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे और कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ हम उनको सिखाएंगे। तो ये एक मौका है जिसमें हम फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे और साथ के साथ उनसे कुछ सीखने का भी हमें मौका मिलेगा। डेफिनेटली आईवा के जर्नी और उनके अचीवमेंट्स और उनके जो करंट मुद्दे हैं वो वहां पे डेफिनेटली डिस्कस होंगे। और मैं सबों से यह आह्वान करूंगा कि अभी हमारे पास काफी कुछ हैं, बट चूंकि PRT जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि एक
कह सकते हैं कि एक चुनिंदा सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। हम ऐसे लोगों को इस इंटीग्रेशन कैंप में लेके नहीं आना चाहते जो हमारे लिए थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत करें, बट आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जो मैं समझता हूँ कि एक एक अपने लेवल में अपना अच्छा एक्सपीरियंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रखते हैं और अपनी एक अपनी एक पहचान रखते हैं। तो उस पहचान को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबों से आह्वान करूंगा कि आप उस इंटीग्रेशन कैंप में जरूर जुड़ें, और उसके लिए हमारा पर हेड कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 6,500 रुपये हम लोगों ने उसकी इस 3 दिनों का कॉस्ट रखा हुआ है, जिसमें रहना खाना पीना सब चीज उसमें इंक्लूडेड है। सिर्फ आने जाने का खर्चा आप लोगों के ऊपर रहेगा, और इससे अलग अगर कुछ सवाल हो तो जिसको मैं क्विकली अगर आंसर कर सकता हूं तो वो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आईवा टीम, नवीन जी, नितिन जी और संतोष जी, आपने जो आज ये आज का जो सेशन रहा हमारे लिए भी आई ओपनिंग रहा, क्योंकि हम इंश्योरेंस में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और ये अजय त्यागी जी हमारे जो बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक हमें, मैं भी ऑनेस्टली, हम इतने सालों से काम करने के बावजूद भी नवीन जी और हम पिछले 4-5 दिन तक मालदीव्स में थे तब भी इस बात का जिक्र नहीं आया, कुछ डिस्कशन नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई संस्था बना रखी है। लेकिन ये आपका जो आज के जो अचीवमेंट्स पता लगी और ये कितनी बड़ा काम कर रही है एसोसिएशन एजेंट्स के लिए, ये हमारे लिए भी बहुत एक अच्छी चीज है। और जो आप मुझे लिंक शेयर करेंगे, मैं ये चाहूंगा कि एफपीआरटी का हर मेंबर आईवा का मेंबर एटलीस्ट बने। आप लोग आईवा के कितने लोग हमारे एफपीआरटी के मेंबर्स बनेंगे वो एक अलग सेपरेट इशू हो सकता है। हमारा मोटिव और आपके मोटिव में बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम या आपका जो मोटिव है वो एजेंट्स के हक की बात हो रही है, हम एजेंट्स को फाइन ट्यून करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अच्छे से हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़े और यहाँ पे हम ट्रेनिंग अटेंड करें, और मार्केट के अंदर जब वो जाए तो एक एफपीआरटी का एजेंट अलग से दिखना चाहिए कि हाँ भाई इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म है, उसका अपनी ड्रेसिंग सेंस उसके अंदर, उसको बात करने की जो बात करे वो जो 27 लाख एजेंट से हट करके कुछ अलग से उसको लगे कि भाई ये बंदा कुछ बात कर रहा है जो और लोग एजेंट से अलग की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अभी जितने भी आज हमारे पास लोग एफपीआरटी के जुड़े हुए हैं, मैं जैसे ही ये सेशन खत्म होता है हम उसमें अपने ग्रुप के अंदर ये अपना एजेंट्स जो ये फॉर्म है ये गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, और मैं सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि ये एक पुण्य का काम है, सब लोगों को जुड़ना चाहिए। हम लोग यदि जुड़े इकट्ठे होंगे, एक वीडियो में दिखाया गया था, उसमें दिखाया गया था यदि सारी भैंस भी इकट्ठी होकर के चलेंगी तो शेर को डरा सकती है, नहीं तो आपको कोई भी हिला सकता है आपके साथ में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, यूनाइटेड होके चलने में कोई बुराई नहीं है, सब लोगों के अधिकार की बात है। आज यदि आईआरडीए ने एक इतना बड़ा डिसीजन इस संस्था के इनिशिएटिव लेने के बाद रिवर्स किया है या उसको पोस्टपोन किया है, ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत है सब लोगों की। मैं आप लोगों का पुण्य दिल की गहराइयों से आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि हमारे पीआरटी से बहुत सारे लोग अब मेंबर बनेंगे। आपके पास जब बैंक की डिटेल्स आनी शुरू होंगी तो आपको पता लगेगा कि आज के सेशन के बाद कितने लोग और ऐड हुए हैं, वो आपको पता लग ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो चार्जेस है वो इतना नॉमिनल चार्जेस हैं, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को जुड़ जाना चाहिए कोई बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो हम अपने अधिकार के लिए बात कर सकते हैं किसी से। नवीन गोयल जी का फिजिकल हैंड रेज है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात कहें प्लीज। बस एक मिनट जी, एक तो आपका नहीं है हमारा, अब आपको हमारा और आपका नितिन जी ने कहा कि तेरा मेरा कुछ नहीं है हमारा है। दूसरा, आज आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रह गए, 1-to-1 मेरा नितिन जी का और संतोष जी का नंबर है, कोई भी क्वेरी है राउंड द क्लॉक 24 आवर हमसे पूछ सकते हैं आईवा के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, आईवा की जर्नी में, एनी टाइम वी आर फॉर द एजेंट। बिल्कुल ठीक है सर, हमारा, मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक, और मैं इसको अब आपका और नहीं करके हमारा बोल करके चलेंगे, और ये हमारी सबकी ज्वाइंट फाइट है, और हम इसमें आगे सब लोग यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, बहुत एजेंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, और एक सब एजेंट्स का एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का कार्य करेंगे। तो समय हमें ज्यादा बात करने की परमिशन नहीं दे रहा, मैं आप सब लोगों का फिर धन्यवाद दे रहा हूँ, और राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति पाठ प्ले करें।